राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक बार फिर दरिंदगी और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक 14 वर्षीय नाबालिका से दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर भट्टी में डालकर जला दिए गए, जिसको लेकर राजस्थान के सर्व समाज में आक्रोश छाया हुआ है। इसी घटना को लेकर चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्रेट पर सर्व समाज के लोगों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। साथ ही सरकार से ऐसे मामलों में कड़ा से कड़ा कानून बनाने की भी गुहार लगाई और इसी मांग के साथ ही उन्होंने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की भी मांग की। राजस्थान इस समय रेपिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रतिदिन 17 से 20 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। मैं समझता हूं इससे पूरा राजस्थान कलंकित हो रहा है। कल जो भीलवाड़ा के अंदर जो घटना घटी है कोटड़ी थाने में, उसमें 14 वर्षीय नाबालिग को अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया और बलात्कार के बाद भट्टी में जिस तरह से जला दिया, मैं समझता हूँ ये घटना निर्भया कांड से भी एक बहुत ही अति है, भयंकर है, उसको भी मात दे रही है। ऐसी घटना राजस्थान में घटने के बाद मुख्यमंत्री जी चुप हों, कोई कार्रवाई नहीं करें। ये केवल एक भीलवाड़ा की घटना नहीं है, भीलवाड़ा में इसके पहले ही 1-1.5 महीने पहले 8 मई में 6 वर्ष की बालिका जो केवल रात्रि को झोंपड़ी से अपने लघु शंका करने के लिए बाहर आती है, उसका अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और डूंगरपुर में 15 वर्षीय छात्रा को जो स्कूल जा रही है उसके साथ किया जाता है। तो न तो स्कूल सुरक्षित है, न रात को उठ करके लघु शंका के लिए जाना सुरक्षित हुआ। एक बकरी चराने के लिए यदि एक बच्ची जाती है बूंदी के अंदर, उसका भी अपहरण करके किया जाता है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान का ऐसा कोई ज़िला नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मुंडवा के अंदर ये घटना हुई, पिड़ावा के अंदर 12 साल के मूक बधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और यहाँ तो अलग खेड़ी कांग्रेस विधायक के भतीजे ने इस प्रकार दुष्कर्म किया। चौमू में दुष्कर्म हुई, हनुमानगढ़ में इस प्रकार की दुर्घटना हुई, अजमेर के आदर्श नगर में भी युवती से दुष्कर्म हुआ, ब्यावर में महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, श्री गंगानगर में युवती को ब्लैकमेल करके और उसका फोटो वायरल किया। तो आज यहाँ पर बलात्कारी बिल्कुल बेखौफ घूम रहे हैं और सरकार चैन की नींद सो रही है। इसके आधार पर यदि मैं कहूँ कि ये दुष्कर्मी को आज कोई रोकने वाला नहीं है, और गहलोत साहब बड़े कह रहे हैं मैं तो पद छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को पद नहीं छोड़ रहा, यानी क्या आपका ऐसा फेविकोल तगड़ा को लगा हुआ है जो आपको कुर्सी नहीं छोड़ रही है? अरे आप आज छोड़ो, जनता 8 करोड़ जनता उसे राहत करेगी। मैं तो मांग करूंगा कि आप तुरंत नैतिकता के आधार पर यदि कहीं भी जहन में इन बच्चियों के प्रति आपकी इज्जत है तो आप तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे करके नैतिकता के आधार पर करो और अस्मिता मेरी बहन बेटियों के बचाओ। लेकिन इस प्रकार का कहीं भी सोच नहीं है। और अजमेर की बात यदि करूं तो अजमेर के SP साहब भी गहलोत की तुष्टिकरण नीति में दबाव में काम कर रहे हैं, उनको शहर की चिंता नहीं है। शहर में जिस तरह से चोरियां हो रही हैं, रामनगर में 5 चोरियां हुई, आपके वैशाली में चोरी हुई, आपके पंचशील की चोरियां हुई, आज चारों कल परसों में 3 मोटरसाइकिलें चोरी हो गई, यानी न तो घर के बाहर वाहन रखना सुरक्षित हुआ, न घर में अपनी बच्ची के साथ मिलने जाओ, घर बंद करके जाओ तो आपका घर असुरक्षित है। यानी इनको उस ओर ध्यान ना देना चाहिए उस दबाव की तुलना में। और जब कल तुष्टिकरण की नीति तो तब हद हो गई जब हम लोग झरनेश्वर महादेव के जो आज घसेटी बाजार से लेके नया बाजार तक, जहाँ कहीं रास्ते में इस प्रकार का कोई व्यवधान होने वाला नहीं था, वहाँ पे हमने अब ये पालकी या भगवान की सवारी निकालने के लिए अनुमति मांगी। वह अनुमति देने से केवल अपने जिद अड़ियल रवैये के कारण आपने मना किया, और मना करने के बाद जब कारण पूछा तो कोई कारण बताने में असमर्थ थे। और उल्टा जब हमने कहा कि पिछले दिनों जो दूसरे संप्रदाय का मुहर्रम का त्यौहार था, वहाँ उससे पहले कहीं वो जुलूस नहीं निकला, और वह जुलूस निकला है पुलिस के जाब्ते के अंदर, और वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं जांच कराऊंगा। यानी इस प्रकार की स्थिति बना करके कुल मिला करके ये यहाँ पे जो कांग्रेसी हैं उनके दबाव में काम कर रहे हैं,
और उसके बाद हमसे एक मैं मेरे पास समिति के सारे लोग आए थे, उन सबको साथ लेके उनके यहाँ गया था। उनके सामने जिस तरह की अभद्रता का उन्होंने भाषा का उपयोग किया, मैं समझता हूँ कि ये तो प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। इनको वहाँ से निर्देश हैं कि जनप्रति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे सम्मान देना चाहिए। उस सबको ताक में रख करके जो उन्होंने व्यवहार किया, हम सब ने निंदा की। और जब पुलिस की बात आती है तो यहाँ जो पर्यटन निगम के चेयरमैन यहीं खादिम होटल में उन्होंने एक तरह से कार्यालय और पूरा केंद्र बना रखा है, उनके दबाव में चलते हैं। उनको पुलिस की ऐसी ऐसी सुविधाएं दे रखी हैं जो उनके प्रोटोकॉल में बाकी किसी भी निगमों के या आयोगों के अध्यक्षों को नहीं है, उसके दबाव में काम करते हैं। मुझे लगता है कल भी बाद में उन्होंने कहा कि मैंने भी फोन, उन्होंने कोई प्रयास किया अपने जेब मिटाने के लिए। वास्तव में ये अशोक गहलोत के तुष्टिकरण, अल्पसंख्यकों के वोट उन्हें मिले इसके कारण से इस प्रकार का सारा व्यवहार कर रहे हैं, उनको शोभनीयता, वो अपने काम की ओर ध्यान दें। और इसके साथ तीसरी जो अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, पिछले दिनों अजमेर की समस्याओं को लेकर के विधानसभा के अंदर मैंने प्रत्येक मुद्दे की आवाज़ उठाई है। लोगों के बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे, उसकी आवाज़ उठाई, यहाँ तक कि भ्रष्टाचार जो आपने अब इसमें एलिवेटेड रोड और पाथवे में किया है उसकी घटना मैंने वहाँ पर जिक्र किया है। और साथ के अंदर हमने अजमेर में ड्रेनेज सिस्टम, पानी घरों में भरा हुआ है उसको इतने दिन होने के बाद भी, कल भी हमने महावीर कॉलोनी उनका दौरा किया, आज तक पानी से लोग परेशान हैं, घर छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं, उस पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए कोई काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक के आपके शहर की सड़कें बदहाल हैं, लोग कह रहे हैं क्या हुआ है, सड़कें सारी पिछले 2 साल के अंदर जो इन्होंने बनाई वो भ्रष्टाचार के कारण आज उखड़ गई। ये भ्रष्टाचार के 10-15 साल में नहीं टूटी, हमारे समय सड़कें ठीक थी। पानी की बात करते हैं, पानी भी आकर के इनके आक्रमण और नकारा जो अवसर है वो पानी नहीं दे रहे हैं। 18 के अंदर हम लोग आराम से 48 घंटे में बीसलपुर खाली होने के बावजूद पानी दे रहे थे और आज बीसलपुर भरा हुआ है। अजमेर की जनता के लिए सड़कों पे तो पानी है, उनके घरों में पीने का पानी नहीं है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति जो बनी है इसका जिम्मेदार पिछले 4 साल का अशोक गहलोत सरकार है। अतः मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ ये सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। और यहाँ के अधिकारियों को भी आग्रह करूंगा कि वे किसी भी सरकार के या नेता के राजनीतिक केंद्र के या अपने सरकारी जो राज्य सरकार के दबाव में काम न करें। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, और निष्पक्षता से काम करिए, नहीं तो सरकार आने के बाद आप सबके जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हो, जिस प्रकार कर रहे हो, इसके हम समीक्षा करके उचित कदम उठाएंगे।